गमले में लगे हुए हमारे इस नींबू के पौधे पर जब हम इसको नर्सरी से लेकर के आए थे तो काफ़ी सारे फल लगे हुए थे, लेकिन घर आने के बाद में एक साल से हमारे इस नींबू के पौधे पर कोई भी फल फूल नहीं आया था। लेकिन अब आप लोग देख ही पा रहे होंगे हमारे इस नींबू के पौधे पर फूल भी है और यहाँ पर जगह जगह छोटा छोटा फल भी सेट हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊँगा कि मैंने कौन सी चीज़ का इस्तेमाल किया था जिससे मेरे इस नींबू के पौधे पर इस तरीके से काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। जो चीज़ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये आपके घर पर ही किचन में आप लोगों को मिल जाएगी। जैसे ये 1 रुपये की चीज़ होगी, तो 1 रुपये की इस चीज़ के इस्तेमाल करते ही आपके नींबू के पौधे पर इस तरीके से भर भर के फूल आना स्टार्ट हो जाएगा। और ये गारंटी का सौदा है, ये गारंटी का फर्टिलाइज़र है। इसको इस्तेमाल करने के लगभग 15 दिन के बाद में फूल आना ही आना है। तो आज की इस वीडियो में पूरी कंप्लीट जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखने के साथ, वीडियो की जानकारी सही लगे तो लाइक शेयर करने के साथ, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लो, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो सही लगे तो लाइक और शेयर भी कर दें। तो देखिए नींबू के पौधे में ये फर्टिलाइज़र तो हम इस्तेमाल करेंगे ही, लेकिन इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ ज़रूरी गारंटीज बताना चाहता हूँ नींबू के पौधे के बारे में। कई बार हम लोग नींबू के पौधे में फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते रहते हैं लेकिन सही तरीका, सही देखभाल हमें पता नहीं होता है, और उसके बाद में उसी वीडियो में आते हैं और कमेंट करते हैं कि यार आपने फर्टिलाइज़र बताया और हमारा पौधे पर उसका कोई भी रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिला। तो देखिए नींबू के पौधे में आप लोग फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं, और फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने के बाद में आप लोगों को नींबू के पौधे को ऐसी जगह रखना है जहाँ पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप आती हो। और आप लोग इसको अगर ऐसी जगह पर रख दोगे जैसे जहाँ पर छाया रहती हो, धूप कम आती हो, तो ऐसे में होगा ये कि आपके नींबू के पौधे की जो ग्रोथ है वो बढ़ने लगेगी, वेजिटेटिव ग्रोथ होने लगेगी और आपका नींबू का पौधा फल फूल नहीं देगा। तो बेहतर ये है कि इसको डायरेक्टली पूरा दिन की धूप वाली जगह पर रखें। इसके अलावा देखिए नींबू के पौधे की मिट्टी कुछ इस तरीके से भुरभुरी होना चाहिए, और भुरभुरी होने के साथ साथ तो मिट्टी को इसी तरीके से आप लोगों को ड्राई रखना है जैसे हमने इसको ड्राई किया हुआ है। कल ही बारिश हुई थी तो बारिश में होता ही है कि ये जो जितने भी फूल हैं ना ये सारे के सारे झड़ जाते हैं और फिर हमारे पौधे पर नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, वेजिटेटिव ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, नई ब्रांचेस निकलना स्टार्ट हो जाती हैं खास करके बारिश के सीज़न में। तो हमने करा ये था कि इस पौधे को इस पॉलीथीन से ढक दिया था जिससे कि हमारे ये फूल न झड़ने पाए। तो अगर आपका पौधा छोटा है जैसे हमारा ये पौधा है और उस पर फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो जाए इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल करने के बाद में, या फिर आपके पौधे पर पहले से ही फ्लावरिंग चल रही है और उसको फल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो बारिश के पानी से आप लोगों को पौधे को ज़रूर बचाना चाहिए। अगर आप लोगों ने एक बार पौधे को बचा लिया बारिश के पानी से तो फल भी सेट होगा और नई ग्रोथ नहीं आएगी। लेकिन अगर आपके पौधे में नई ग्रोथ नहीं चल रही है, आप चाहते हैं कि पौधा घना हो जाए, तो इसको बारिश का पानी दे सकते हैं जिससे कि पौधे की नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाए। नींबू के पौधे के लिए बारिश का पानी फ़ायदा इसलिए पहुंचाता है क्योंकि बारिश के पानी में होता है नाइट्रेट, जो कि मिट्टी में जाने के बाद में नाइट्रोजन में बदल जाता है, और जब नाइट्रोजन में बदल जाता है तो जाहिर सी बात है कि नाइट्रोजन पौधे की ग्रोथ को बढ़ाता है, पत्तियों को बढ़ाता है। तो आप लोग नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र देने के साथ साथ बारिश का पानी भी दे सकते हैं। इस समय अगर आप लोग पौधे की ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं तो बारिश के पानी के साथ साथ ऐसा फर्टिलाइज़र जिसके अंदर नाइट्रोजन का लेवल ज़्यादा हो वो फर्टिलाइज़र भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको केमिकल पसंद है तो केमिकल में इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑर्गेनिक पसंद है तो ऑर्गेनिक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से आप लोग इस समय हाई नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करके अपने नींबू के पौधे की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। देखिए बारिश के सीज़न में आप लोग अपने नींबू के पौधे की प्रूनिंग भी कर सकते हैं, शॉर्ट प्रूनिंग कर सकते हैं, हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं, रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। बारिश का सीज़न बहुत सही रहता है नींबू के पौधे को रिपोर्ट करने का, प्रून करने का। इसके अलावा फरवरी के स्टार्ट से लेकर के फरवरी मतलब अप्रैल लास्ट तक इसकी प्रूनिंग की जा सकती है, रिपोर्टिंग भी की जा सकती है। तो हमने देखिए ये ब्रांच काफ़ी लंबी जा रही थी तो पौधा देखने में सुंदर नहीं लग रहा था क्योंकि ये ब्रांच काफ़ी भाग गई थी और इधर की ब्रांचेस छोटी थी, एक दो ब्रांचेस और भी भाग रही थी। तो हमने इसको यहाँ से पिंच कर दिया था 10 से 12 दिन पहले। तो देखिए जब हमने यहाँ से इसको कट कर दिया, पिंच कर दिया, तो देखिए 3 ब्रांच निकल कर आई, एक ये, एक ये, एक ये। तो पौधा भी देखने में सुंदर लगेगा और इसके अलावा देखिए इस पर ब्रांचेस भी एक्स्ट्रा निकल आई हैं, तो जिससे हमारे पौधे पर ज़्यादा फल लगने के जो चांस है वो काफ़ी बढ़ जाएंगे। और फरवरी में हमने इसको यहाँ से कट किया था, देखिए यहाँ से जब हमने इसको यहाँ से कट कर दिया तो देखिए 2, 4, 6 और एक ये 7 ब्रांच निकली, और देखिए 7 ब्रांच पर काफ़ी सारा ये फूल भी आना स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोग अपने नींबू के पौधे को समय समय पर पिंच करके कट करके ज़्यादा घना कर सकते हैं।
एक ये ब्रांच है, देखिए ये भी काफ़ी तेज़ी से भाग रही थी तो हमने इसको भी यहीं स्टॉप कर दिया और इस पर अब नई नई ग्रोथ आएगी और उस पर छोटी हाइट में फूल बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए नींबू का पौधा जो होता है, अगर आप लोग इसको बारिश के पानी में रखोगे तो ये फूल तो झाड़ेगा ही, लेकिन अगर फूल नहीं झाड़ता है और नई ग्रोथ निकल करके आती है तो ऐसे में पौधा और देरी से जो फूल है वो देगा और आपके पौधे पर फल आने के जो चांस है वो काफ़ी लेट हो जाएंगे। अब मैं दोस्तों आप लोगों को बताना ये चाहता हूँ कि अगर आप लोग नर्सरी से नींबू का पौधा ख़रीद करके ला रहे हैं तो आप लोगों को कौन सी वैरायटी का नींबू का पौधा लाना चाहिए जिससे कि आपके नींबू के पौधे पर पूरे साल फल फूल आ सकें। तो देखिए नींबू का पौधा जो होता है ना, सबसे बढ़िया गमले में लगाने के लिए जो छोटी हाइट का है, जैसे ये वाला जो नींबू का पौधा है, ये मेरा जम्मू नींबू का पौधा है, ये जम्मू की वैरायटी है। ये आप लोग अपनी इंडियन वैरायटी ही इस्तेमाल करें। अब कई बार लोग पाकिस्तानी भी ले आते हैं, वैसे हमारे पास भी था पाकिस्तानी, लेकिन वो ज़्यादातर फंगस की वजह से ख़राब हो जाता है। तो आप लोग नर्सरी पे जाएं तो ये जम्मू की वैरायटी लेकर के आएँ, या काटकुम भी लगा सकते हैं। और वैसे जम्मू की ये वैरायटी अच्छी रहती है। जम्मू में दो वैरायटी होती है, एक ये छोटी पत्ती वाला और एक थोड़ी सी बड़ी पत्ती वाला। इसकी भी देखिए ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहती है, ये भी एक झाड़ की तरह बढ़ता है, लंबाई नहीं रहती है इसकी और ये ग्रोथ कम करता है। लेकिन अगर आप लोग कागजी नींबू को ले आते हैं, देसी कागजी नींबू तो सही रहता है, छोटा हाइट का रहता है, लेकिन अगर हाइब्रिड नींबू का पौधा लिया है आप कागजी, तो आपका कागजी जो हाइब्रिड है वो काफ़ी बढ़ जाएगा और गमले में फल जो है वो काफ़ी लेट देता है, क्योंकि उसको ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है वेजिटेटिव और ब्रांचेस की ग्रोथ के हिसाब से भी और गमले में यानी कि रूट्स के हिसाब से भी। तो वो जो हाइब्रिड कागजी नींबू का पौधा होता है वो ज़मीन में लगाने के लिए सही रहता है। इसके अलावा उसमें दिक्कत एक ये रहती है, उसका जो फल होता है ना वो फल बड़ा साइज का आता है, उसका छिलका होता है मोटा और उस पर जो जूस है उसके अंदर वो कम रहता है। लेकिन ये वाली जो वैरायटी मैंने आप लोगों को दिखाई है जम्मू, इसका जो छिलका होता है वो पतला होता है और ये सीडलेस होता है, इसमें बीज नहीं होता है और ये बारहमासी फल फूल देता रहता है अगर आप लोग अच्छी तरीके से देखभाल करते हैं तब। बस इसमें दिक्कत थोड़ी बहुत मई जून के महीने में आती है, जब बहुत तेज़ धूप पड़ती है ना, तो इसका ज़्यादा तेज़ धूप की वजह से ये जो फूल है ये ड्रॉप होता रहता है, क्योंकि ज़्यादा तेज़ धूप में उस समय होता ही है कि खुश्क हवाएँ चलती हैं, गर्म हवाएँ चलती हैं, तो अचानक से पानी की भी कमी हो जाती है, तो ऐसे में ये ज़्यादा पानी की कमी को सहन नहीं कर पाता और फूल को ड्रॉप कर देता है। तो सिर्फ मई जून के अलावा इसमें पूरे साल 10 महीने अच्छी फ्रूटिंग रहती है, अच्छी फ्लावरिंग चलती रहती है अगर आप लोग सही तरीके से देखभाल करते हैं, समय पर इसको फर्टिलाइज करते हैं तब। लेकिन अगर जैसे मई जून के मौसम में भी आप लोग इससे फ्लावरिंग और फ्रूटिंग पा सकते हैं, अगर आप लोग उसको ग्रीन नेट के नीचे रख देते हैं 70% वाले और इसको हल्का मॉइस्ट रखें, जैसे ये नीचे से मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा, देखिए इस तरीके से हल्का सा मॉइस्ट रहना चाहिए इस तरीके की मिट्टी, जैसे ये इतनी मिट्टी हल्की मॉइस्ट रहेगी मई जून के महीने में, तो ये मई जून के महीने में भी फल देता रहता है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो घर पर नींबू आते हैं ना, नींबू का बीज निकाला और उसको ग्रो कर लिया। नींबू का पौधा बीज से ग्रो बहुत ही आसानी से हो जाता है, खास करके गर्मी के मौसम में और बरसात में। लेकिन दोस्तों वो जो नींबू का पौधा आप लोग घर पर बीज से ग्रो करते हैं ना, वो ग्रो होने के बाद में कम से कम 4 से 5 साल लेता है फल देने में। इसके अलावा वो झाड़ की तरह बढ़ जाता है, ग्रोथ बहुत रहती है, काफ़ी बढ़ जाता है और काफ़ी लेट फल आते हैं और उस पर जो फल आते हैं वो थोड़ा कम आते हैं ग्राफ्टेड के मुकाबले। तो बेहतर ये कि आप उसमें टाइम बर्बाद ना करें, बल्कि कोई भी नर्सरी से ग्राफ्टेड पौधा 15-20-150 रुपए का ख़रीद लाइए और गमले में लगाइए, अपने पूरी फैमिली के साथ साथ अपने पूरे मोहल्ले वालों को भी फल खिलाइए अच्छी देखभाल करके। और इसके अलावा देखिए नींबू का जो पौधा होता है ना, जब ग्राफ्टेड नींबू का पौधा आप लोग लेके आते हैं तो ग्राफ्टेड पोर्शन का भी ध्यान रखें। देखिए ये जो ग्राफ्टेड नींबू का पौधा है ना, तो नीचे का जो एरिया होता है ये खट्टी का होता है, खट्टी एक तरह का साइट्रस फैमिली का ही पौधा फल होता है, तो ये उसका होता है बीज के द्वारा तैयार किया गया और इस पर लेंस के द्वारा इसको तैयार किया जाता है फरवरी से और अप्रैल तक इस पर लेंस लगा दिया जाता है, लेंस के द्वारा ये तैयार किया जाता है। वैसे इसको आप लोग घर पर भी तैयार कर सकते हैं, जैसे हमने आप लोगों को दिखाया है धर्मवीर की वीडियो में, जो गुलाब के पौधे की लेंस के द्वारा तैयार किए जाते हैं हाइब्रिड गुलाब के पौधे, तो वैसे ही इसको भी लेंस के द्वारा तैयार किया जाता है, लेंस उसको कहते हैं। जैसे ये पत्ती जुड़ी हुई है तो उस समय ये फूल कम होता है और यहाँ से इसको निकाल लिया जाता है, ये पत्ती होती है ना, इसको इतने एरिया को छीलने के बाद में निकाल लिया जाता है, यहाँ से कट करने के बाद में इसको जिस तरीके से गुलाब की ग्राफ्टिंग की जाती है वैसे यहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाता है, 15-20 दिन के बाद में नई ग्रोथ
स्टार्ट हो जाती है, फिर पौधा तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से ये पौधा तैयार किया जाता है। बाकी इसको आप लोग गुट्टी के द्वारा तैयार करने की कोशिश न करें, सभी नींबू के पौधे गुट्टी के द्वारा, कटिंग के द्वारा या साइड ग्राफ्टिंग के द्वारा तैयार नहीं होते हैं। ये सिर्फ लेंस के द्वारा ही तैयार होते हैं। कई बार लोग साइड ग्राफ्टिंग करते हैं, गुट्टी के द्वारा तैयार करते हैं या फिर इसके अलावा कटिंग लगा देते हैं, तो ऐसे में नींबू का जो पौधा है ना, ये तैयार नहीं हो पाता है। देखिए मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये वाला जो नींबू का पौधा है, मैंने इसकी कटिंग लगाई थी और इसकी अपडेट वीडियो आने वाली है। तो ये जो नींबू का पौधे की कटिंग है, ये हाइब्रिड नींबू के पौधे की कटिंग है। ये हाइब्रिड नींबू का पौधा गुट्टी से तैयार हो जाता है और कटिंग से भी तैयार हो जाता है। तो मेरी ये कटिंग चल चुकी है, नीचे आप लोगों को शायद रूट्स भी नज़र आ रहे होंगे। देखिए नीचे वाली साइड में यहाँ पर तो हल्की हल्की इस पर रूट्स आ रही हैं। तो ये हाइब्रिड कागजी नींबू का पौधा कटिंग से तैयार आप लोग कर सकते हैं, गुट्टी से भी तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो दूसरा आप लोग नींबू का पौधा देख रहे हैं, जो कि जम्मू की ही थोड़ी दूसरी वैरायटी है, ये छोटे पत्तों पतले पत्तों की है और ये चौड़े छोटे पत्तों की है, तो इसको भी गुट्टी के द्वारा तैयार किया जा सकता है। अब हम चलिए आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग अगर नींबू के पौधे से अच्छी फ्रूटिंग पाते हैं, अच्छी फ्लोवरिंग पाना चाहते हैं, तो ये जो फर्टिलाइजर है इसको कब और कैसे इस्तेमाल करना है, इसका नाम क्या है? तो देखिए इसका नाम है नमक। नमक है खाने वाला, जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं ना, आजकल तो लोगों को पता नहीं है, पिसा हुआ नमक थैली वाला लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले लोग इसी का इस्तेमाल किया करते थे। तो ये डेली वाला नमक है, ये आप लोगों को किसी भी पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा। तो इस तरीके का डेली वाला आप लोगों को नमक लेना है और लगभग जितने बड़े दो टुकड़े, लगभग 20 ग्राम एक लीटर पानी में आप लोग घोल लें, और घोलने के बाद में आप लोगों को तीन बार इस पर स्प्रे करना है नींबू के पौधे पर। जैसे आज स्प्रे कर दिया तो दो दिन छोड़ना है, फिर तीसरे दिन करना है, तो इस तरीके से तीन बार आप लोगों को 10 से 12 दिन के अंतराल में, मतलब 10 से 12 दिन के बीच में अपने नींबू के पौधे में नमक का छिड़काव करना है। और यकीन मानिए, नमक का छिड़काव करते ही आपके पौधे पर इतनी तेज़ी से फ्लावरिंग आएगी कि आप लोग ताज्जुब करोगे। ये अजमाया नुस्खा है और इसको आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ये ध्यान रखें, इसको इस्तेमाल अगर आप लोग कर रहे हैं तो शाम के समय करें, और इसके अलावा मिट्टी में नहीं जाना चाहिए। ये अगर मिट्टी में चला गया तो फिर आपके पौधे को नुकसान पहुंचा सकता है। इसको मिट्टी में भी इस्तेमाल किया जाता है, दूसरे पौधे में इस्तेमाल किया जाता है, उसके बारे में हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि मिट्टी में कौन से पौधे में इस्तेमाल करना चाहिए फ्रूटिंग के लिए, तो हम एक नई वीडियो आप लोगों को बना करके अपलोड कर देंगे। अब चलिए इसको इस्तेमाल कर लेते हैं और अपने दूसरे पौधे में जिस पर नींबू नहीं आ रहे, यानी कि इस पर जो फूल नहीं आ रहा है, नींबू नहीं आ रहा, तो इस पर हम इस्तेमाल कर लेते हैं नमक को। और इसके अलावा देखिए सामने ये दूसरा जो नींबू का पौधा है, इसमें भी इस्तेमाल कर लेंगे इस तरीके से। देखिए उधर की साइड में भी एक और नींबू का पौधा है, उस पर भी फूल नहीं आ रहा, उस पर भी इस्तेमाल कर लेंगे। तो इस तरीके से हम जो नींबू का पौधा फूल नहीं दे रहा है, फल नहीं दे रहा, उसमें इस्तेमाल कर लेते हैं। बाकी इसमें रिजल्ट हमें अच्छा देखने को मिल चुका है। देखिए दोस्तों, मैंने इस स्प्रे बोतल में 2 लीटर पानी भर लिया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2 लीटर पानी है, और मैं ये चारों डेली लगभग ये 30 से 35 ग्राम के करीब है, तो मैं इसमें डाल लेता हूँ, घोलने के लिए छोड़ देता हूँ। जब ये घुल जाएगा उसके बाद में नींबू के पौधे में हम इसका स्प्रे करेंगे। इसके अलावा दोस्तों इसका ही स्प्रे नहीं करना है, बल्कि आप लोगों को एक बात का ये ध्यान रखना है कि पौधे की मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी तो नहीं है। अगर पोषक तत्वों की कमी होगी तब भी आपका नींबू का पौधा फल फूल कम देगा, तो इसके लिए आप लोग फर्टिलाइजर दूसरा इस्तेमाल करेंगे, जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, नमक अच्छे तरीके से इस स्प्रे बोतल में घुल चुका है। अब चलिए हम इस नींबू के पौधे पर स्प्रे कर लेते हैं इस तरीके से। तो स्प्रे करने के कुछ दिनों के बाद ही हमारे इस नींबू के पौधे पर काफ़ी फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, काफ़ी सारे नींबू भी आएंगे और फूल भी आएगा। और देखिए इसको आप लोगों को अच्छे तरीके से नहलाना है, इसको कोई पत्ती आप लोगों को छोड़नी नहीं है। अगर आप लोग इसको अच्छे तरीके से नहीं नहलाओगे तो रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। तो बेहतर ये है कि इसको आप लोगों को अच्छे तरीके से ही नहलाना है, और कुछ ही दिनों के बाद में आप देखोगे कि आपके नींबू के पौधे पर जो रिजल्ट है वो बहुत ही शानदार देखने को मिलेगा। तो देखिए अभी हमने इस पर अच्छे तरीके से स्प्रे कर दिया है, अब हम इसमें लगभग 2 दिन छोड़ने के बाद में फिर स्प्रे करेंगे, फिर 2 दिन छोड़ने के बाद फिर स्प्रे करेंगे, ठीक वैसा ही हम तीसरी बार में भी 2 दिन छोड़ने के बाद में स्प्रे कर देंगे नींबू के पौधे में। तो इस वाले पे हमने स्प्रे कर दिया है, बाकी जो भी हमारे गार्डन में नींबू के पौधे लगे हैं सभी पे हम स्प्रे कर देंगे, जिससे कि आने वाले समय में अच्छी फ्रूटिंग हो सके। तो अगर आपके नींबू के पौधे में नींबू नहीं आ रहे हैं तो आप लोग इसका स्प्रे करें, साथ में जो दूसरा मैं फर्टिलाइजर आप लोगों को बता रहा हूँ वो फर्टिलाइजर है सीवीड। सीवीड आप लोगों को पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल करना है, हमने इस पर पहले ही सीवीड इस्तेमाल कर लिया है मिट्टी में, तो हम अभी इसमें सीवीड इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो
तो आप लोग नमक के साथ अपने नींबू के पौधे में सीवीड फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल करें। ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये वीडियो लाइक करने के साथ शेयर कर लें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक और शेयर भी कर लें।